दाना बांधुछि आउ एक लघुचाप प्रभाव रे आसंता 9 तारिख बेलकु उत्तर आंडामान सागर ओ पार्श्ववर्ती पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। एहार प्रभाव रे ओडिसा रे आसंता 11 रु 13 तारिख पर्यंत 3 दिन वर्षा हेबार आशंका रहिछि। कोणासठारु गोपालपुर पर्यंत उपकूल ओ संलग्न अंचल तथा गजपति अभिभक्त कोरापुट रे अधिक वर्षार संभावना रहिछि। समुद्र अशांत हेतु घंटाकु 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिपारु आज मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को जीवा को बारण होई। एक लो प्रेशर एरिया 9 तारीख का आसपास अंडमान सी में होने का चांसेस है, जो कि 9 तारीख का बाद फिर सबसिक्वेंट और 2-3 दिन में ये डिप्रेशन बनने का चांसेस है और इसका मूवमेंट टुवर्ड्स हमारा आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा कोस्ट का पास कोस्ट का तरह रहेगा। तो इसका प्रभाव में 11 to 13 इस पीरियड में उड़ीसा में एनहांस रेनफॉल एक्टिविटी मींस हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है। यहां सह वर्तमान रो लघुचाप प्रभाव रे आसंता 8 तारीख जाए राज्य रे वर्षा रहिबो, किंतु आसंता 6 तारीख पर्यंत वर्षा रो प्रकोप अधिक रहिबो। 13 जिला रे प्रबल वर्षा रो संभावना रहिछि। दक्षिण ओडिसा रो अधिकांश स्थान ओ उत्तर ओडिसा रो अनेक जगह रे हालुका रो मध्यम धरण रो वर्षा हेबार संभावना रहिछि। परे उपकूल रे वर्षा कमिबो, हेले आभ्यंतरण अंचल रे अधिक वर्षा हेबो। अगला 24 घंटा में हमारा जो फोरकास्ट है अभी, इसमें हल्का से मध्यम बारिश साउथ उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी जगह में होने का चांसेस है। नॉर्थ उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। हैवी रेनफॉल का वार्निंग भी है एक दो जगह में, ये सब डिस्ट्रिक्ट का अंदर होने का चांसेस है। गजपति, गंजाम, रायगढ़, मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कंधमाल, कालाहंडी, नवापारा, बलांगीर, वर्गा, संबलपुर, सोनपुर और फिर कल 6 तारीख में भी हमारा इंटर उड़ीसा में मोस्ट प्लेसेस में मीन्स सभी जगह में हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। कोस्टल उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। यहाँ सह भुवनेश्वर कटक रे 24 घंटा रे प्रबल वर्षा और वज्रपात रो संभावना रही। वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पानीपाग केन्द्र। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।